कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम ने भी तैयारियां कर ली है। कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं के लिए कांवड़ कैंपों में सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, मच्छरों से बचाव का इंतजाम दिल्ली नगर निगम की टीम करेगी। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन की डीसी वंदना राव ने बताया कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर निगम की तरफ से कांवड़ यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार और अलग अलग संगठनों की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में निगम की तरफ से साफ सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, मच्छरों से बचाव के लिए एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए निगम की तरफ से तैयारियां कर ली गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम का गठन किया गया है जो कैंपों पर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। वंदना राव ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि कांवड़ यात्रियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग जगहों पर जो है हमने शेल्टर बनाए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट और बाकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज है उन्होंने लगाए हैं। उसमें जो सैनिटेशन की सुविधा है वो एमसीडी के द्वारा दी जाती है। वहाँ पे जितने भी मोबाइल टॉयलेट्स लगेंगे या जो भी जिस प्रकार की भी सैनिटेशन की जरूरत है उसमें एमसीडी हमेशा तत्पर है और हमारे लोग उसमें लगे रहेंगे। उसके अलावा साथ साथ कहीं पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए जहाँ पर भी मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध करवाएंगी वो एमसीडी की तरफ से भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसकी तैयारियाँ हो चुकी है, लोग बाग लग गए हैं या कुछ अभी समय लगेगा? जी, जैसे ही कांवड़ यात्रियों के लिए जो कैंप है वो तैयार होते रहेंगे, जैसे ही उसमें टॉयलेट लग जाएंगे हमारे लोग उस चीज़ के लिए रेडी हैं। हमारा काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके लिए प्रिपरेटरी मीटिंग्स जो है डीएम लेवल पे भी होती रहती है, डीसीपी लेवल पे भी होती रहती है, उन पर जो भी जैसे डे टू डे इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं हमारे लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।